हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ठोस अवस्था भौतिकी की लेक्चर सीरीज में। पिछले लेक्चर में हमने एक विमीय एक परमाणु रैखिक जालक के लिए प्रक्षेपण संबंध निकाला था डिस्पर्जन रिलेशन ऑफ लीनियर मोनो एटॉमिक सॉलिड्स के लिए। आज हम बात करते हैं लीनियर डाई एटॉमिक सॉलिड का डिस्पर्जन रिलेशन है वो हम डेराइव करते हैं। रैखिक द्विपरमाणुक जालक का प्रक्षेपण संबंध। प्रक्षेपण संबंध क्या होता है ये हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। प्रक्षेपण संबंध बेसिकली है वो सॉलिड के अंदर जो प्रत्यास्थ तरंगें संचरित हो रही हैं उसमें से गमन कर रही हैं उन तरंगों के लिए ओमेगा और के का रिलेशन होता है। वो हमने इस बात के बारे में डिस्कस हमने किया था। तो आज हम बात करते हैं इस द्विपरमाणुक जालक के लिए डिस्पर्जन रिलेशन, अर्थात अगर हमारा सॉलिड है वो द्विपरमाणुक सॉलिड है तो उसके अंदर जो प्रत्यास्थ तरंगे संचरित होंगी उनका व्यवहार किस प्रकार का होगा वो हम आज डिस्कस करते हैं। तो हम मानते हैं एक अनंत लंबाई का द्विपरमाणुक रैखिक जालक है और हमने लास्ट लेक्चर में जब एक परमाणु पढ़ा था तब हमने ये भी अज्यूम किया था कि जो परमाणु है वो इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि वो किसी स्प्रिंग के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो हम मान लेते हैं ये एक सॉलिड है हमारा जिसके अंदर एटम्स हैं वो एक स्प्रिंग के द्वारा जुड़े हुए, और ये जो सॉलिड है हमारा वो इनफाइनाइट सॉलिड है। कैसा है? इनफाइनाइट सॉलिड है, अर्थात इसकी लंबाई अनंत है और इसमें दो प्रकार के एटम हैं। एक एटम हमारा M1 है और एक एटम M2 है। इनमें जो परमाणु हैं वो दो प्रकार के हैं, एक प्रकार का परमाणु जिसका द्रव्यमान M1 है और दूसरा परमाणु जिसका द्रव्यमान M2 है। और हम मान के चलते हैं कि M1 द्रव्यमान है वो M2 द्रव्यमान से ज़्यादा है। अब इनकी पोजीशन है वो हम निर्धारित कर लेते हैं। ये है हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन, मध्य स्थिति है वो है, ये मध्य अवस्था के अंदर ये हमारा है। ये इनफाइनाइट है, हम मानते हैं ओरिजिन कहीं पे जीरो पे है। और मैं मान लेता हूँ ये जो एटम है वो हमारा 2n वा एटम है, ये एटम हमारा 2n प्लस 1 वा एटम है, ये 2n प्लस 2 वा एटम है, ये 2n प्लस 3 वा एटम है, और ये हमारा 2n माइनस 1 वा एटम है, 2n माइनस 2 वा एटम है। इस तरीके से ये हमारे एटम्स हैं इस सॉलिड के अंदर अरेंज्ड हैं। अब ये जो एटम है उसका द्रव्यमान मैं मान लेता हूँ M1 है, इसका द्रव्यमान हमारा M2 है, इसका द्रव्यमान M1 है, इसका द्रव्यमान M2 है, इसका द्रव्यमान M2 है और इसका द्रव्यमान M1 है। इस तरीके से ये एटम इस लीनियर सॉलिड के अंदर अरेंज हैं। दो क्रमागत परमाणुओं के बीच की दूरी हमारी कितनी है? a है, अर्थात इसके और इसके बीच की दूरी a है। तो इस और इस परमाणु अर्थात दो सिमिलर एटम्स के बीच की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी? 2a हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? ये हमारा सॉलिड है, लीनियर डाई एटॉमिक सॉलिड है। अब हमें निकालना है डिस्पर्जन रिलेशन, अर्थात जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स या विक्षेपण बल जब हम लगाएंगे तो ये जो ओसिलेशन से जो प्रत्यास्थ तरंगे इसमें जनरेट होंगी उन तरंगों की फ्रीक्वेंसी और उनके तरंग संचरण नियतांक के में क्या रिलेशन होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 2n प्लस 1 वे एटम की, और जब ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएंगे तो विस्थापित अवस्था में क्या होगा? ये एटम हमारे क्या हो जाएंगे?
डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो पहला एटम मैं मान लेता हूँ डिस्प्लेस होके यहाँ आ गया है और दूसरा एटम यहाँ पहुँच गया है। इसी तरीके से सारे के सारे एटम हमारे क्या हो गए हैं, डिस्प्लेस हो गए हैं। क्या हो गए हैं, डिस्प्लेस हमारे एटम हो गए हैं। तो इनके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इनका, वो कितना है वो हम देखते हैं। ये देखो, ये इसकी मीन पोजीशन थी M1 एटम की, और जब इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका वो हमारा, मैं मान लेता हूँ कितना है U2n+1। इसका डिस्प्लेसमेंट हमारा U2n, इसका डिस्प्लेसमेंट U2n-1 और इसका डिस्प्लेसमेंट U2n-2 हो जाएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट U2n+2 हो जाएगा और ये डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा U2n+3। इनफाइनाइट है ये चैन, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें दो एटम हैं तो दो एटम के लिए दो फोर्स की इक्वेशन आएगी। तो पहले मैं लिखता हूँ 2n+1 वे एटम के लिए नेट फोर्स कितना है डिस्प्लेस्ड कंडीशन के अंदर। तो मैं मान लेता हूँ इस पे जो नेट फोर्स है वो कितना है F U2n+1 है, ठीक है। अब एक चीज और आती है इसके अंदर, जैसा कि हमने लीनियर एटॉमिक सॉलिड में बात की थी मोनो एटॉमिक में, उसमें हम ये मान के चल रहे थे कि सारे एटम हैं वो सिमिलर हैं और इसलिए वो सेम फ्रिक्वेंसी से क्या कर रहे हैं, ओसिलेशन कर रहे हैं। यहाँ भी एटम हमारे दो प्रकार के हैं M1 और M2, लेकिन इनका जो ओसिलेशन की फ्रिक्वेंसी है वो सभी की हमारी क्या है, सेम है, जो कितनी है ओमेगा है। दूसरी चीज, इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा M1 का डिस्प्लेसमेंट, या मैं एम्पलीट्यूड की बात अगर करता हूँ, तो अगर द्रव्यमान दोनों के सेम नहीं हैं, अलग अलग हैं, उस केस में इनके डिस्प्लेसमेंट अर्थात क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड इनके क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो हम मानेंगे कि M1 का जो एम्पलीट्यूड है वो A है और M2 का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, B है, आयाम। M1 का आयाम A है, M2 का आयाम B है। तो अब मैं लिख लेता हूँ पहले इक्वेशन। सबसे पहले इस एटम की बात कर रहे हैं अपन, किसकी, 2n+1 वे एटम की। तो ये इस एटम पे नेट फोर्स हमें चाहिए डिस्प्लेस्ड कंडीशन में। तो ये डिस्प्लेस्ड कंडीशन है, देखो ये वाली जो स्प्रिंग है इस एटम को, ये यहाँ पहुँच गया है डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन में। तो ये स्प्रिंग इसको इधर खींच रही है, ये स्प्रिंग इसको इधर खींच रही है, अर्थात ये नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो फोर्स इस पे कितना हो जाएगा, अगर इसका, ये जो एटम्स हैं इनका इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट कितना है, बीटा है, तो नेट फोर्स कितना आएगा, बीटा इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इस वाली स्प्रिंग का नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा U2n+2 - U2n+1 होगा या नहीं होगा, ये इस दिशा में डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स हो गया इसका, माइनस ये वाली स्प्रिंग इसको वापस भी खींच रही है, इस पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बीटा इंटू U2n+1 - U2n। तो इससे लिख सकते हैं अपन बीटा इंटू U2n+2 + U2n - 2U2n+1, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये हमारा नेट फोर्स आ गया है किस पे, 2n+1 वे एटम के लिए। अब हम लिखते हैं नेट फोर्स ऑन F U2n इज इक्वल टू, ये फोर्स हमारा कितना आएगा, U2n। इसके लिए देखो फोर्स कहाँ लग रहा है, एक तो ये स्प्रिंग फोर्स लगा रही है और एक ये स्प्रिंग इसमें फोर्स लगा रही है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट बीटा इंटू कितना आएगा, U2n+1 + U2n-1 - 2U2n। इसी तरीके से मैंने लिखा है, कंबाइंड लिख दिया है, दोनों को एक साथ लिख दिया है। ये फोर्स है वो किसके बराबर आना चाहिए, द्रव्यमान कितना है, M1 M1 × d2 U2n+1 / dt²
आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए ये फोर्स, और ये वाला फोर्स है वो कितना आना चाहिए, एम टू डी टू यू टू एन अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको मैं नाम दे देता हूँ समीकरण एक और इसका नाम है समीकरण दो। ठीक है, अब हम लिखते हैं इन दोनों का सॉल्यूशन। तो एम वन द्रव्यमान वाले कण का जो सॉल्यूशन है वो हमारा कितना आएगा, यू टू एन प्लस वन इज इक्वल टू, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए ए इंटू ई की पावर आयटा ओमेगा टी माइनस के इंटू टू एन प्लस वन ए, आएगा कि नहीं आएगा, माइनस के एक्स, और एक्स कितना है, ओरिजिन हमारा कहाँ है, कहीं पे है, तो इसकी जो दूरी कितनी हो जाएगी ओरिजिन से, टू एन प्लस वन इंटू ए, क्योंकि दो कर्मागत एटम्स के बीच की दूरी कितनी है हमारी, ए है। तो ये समीकरण है, इसको मैं समीकरण नाम दे देता हूँ तीन। इसी तरीके से अगर मैं यू टू एन लिखता हूँ तो यू टू एन कौन सा है, एम टू कण है, एम टू कण का जो आयाम कितना है, बी है, तो इज इक्वल टू बी ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के इंटू टू एन ए, इसको नाम दे देते हैं समीकरण चार। कोई दिक्कत है क्या इसमें, यहाँ तक सिंपल सी चीज़ें हैं, सिर्फ हमें ये इक्वेशन लिखनी है। अब देखो ये समीकरण है वो इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन ये है, तो ये दोनों इसको सेटिस्फाई भी करनी चाहिए, तो हम इन दोनों को सेटिस्फाई करवा देते हैं, अर्थात ये और ये दोनों मान हैं वो समीकरण एक और दो में रख लेते हैं। तो अपने पास स्पेस की थोड़ी कमी है तो मैं इनको मिटा लेता हूँ। समीकरण तीन व चार से मान समीकरण एक व दो में रखने पर, सबसे पहले देखो M1 M1 इंटू डी टू यू टू एन प्लस वन अपॉन डी टी स्क्वायर, ये यू टू एन प्लस वन है, इसका दो बार डेरिवेटिव करना है मेरे को, क्या आएगा M1 डॉट ए, इसका अगर मैं दो बार डेरिवेटिव करता हूं किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के टू एन प्लस वन इंटू ए। मैं दो तीन स्टेप छोड़ के डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप इसको वन बाई वन करके सॉल्व कर सकते हो, इज इक्वल टू राइट साइड में देखो क्या आएगा, बीटा इंटू U2N टू एन प्लस टू, यू टू एन प्लस टू कौन सा कण है, 2N कण हमारा M2 था, तो 2N प्लस टू भी हमारा क्या है, M2 कण है, और M2 कण का एम्पलीट्यूड कितना है हमारा, B है, तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, B इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा T माइनस K इंटू टू एन प्लस टू इंटू ए, आएगा कि नहीं आएगा, 2n वह आइटम था इसलिए 2n लिखा, और ये 2n प्लस 2 आइटम है तो 2n प्लस 2 लिख दिया मैंने, प्लस सिमिलरली u2n की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास है, b इंटू e की पावर आइटा ओमेगा t माइनस k इंटू टू एन ए, कोई दिक्कत, माइनस 2 इंटू यू टू एन प्लस वन, यू टू एन प्लस वन की वैल्यू ये रही हमारी, इसको लिख देते हैं a इंटू ई की पावर आयटा ओमेगा t माइनस के इंटू टू एन प्लस वन ए, ये हमारा मान हमने इसमें रख दिया। देखो इसमें कुछ नहीं है, अपने को सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि 2n प्लस 1 वा एटम था वो कितना था हमारा, M1 टाइप का एटम था, और 2n, 2n प्लस 2, 2n प्लस 4, 2n प्लस 6 ये एटम हमारे किस टाइप के हैं, M2 टाइप के हैं, तो M2 टाइप का एटम है उसका एम्पलीट्यूड हमने B माना था और M1 का A माना था, तो ये काम हमें करना है। अब देखो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, 2n प्लस 1, तो इस राइट साइड के भी सारे समीकरण हम
इस सी के पदों में बढ़ा लेते हैं ताकि ये कट जाएगा हमारा, इज इक्वल टू राइट साइड में पहला पद है हमारा बीटा इंटू बी ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के इंटू टू एन प्लस वन ए, ठीक है, और एक वन बच गया है तो वो क्या आ जाएगा डॉट ई की पावर एक ए बचा प्लस का माइनस आयटा के इंटू ए आएगा, आएगा या नहीं आएगा। इसी तरीके से अगले वाले पद में बी इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के इंटू टू एन प्लस वन और माइनस वन इंटू ए, कोई दिक्कत, एक जोड़ा एक घटाया मैंने, टू एन प्लस वन हमें चाहिए क्योंकि लेफ्ट साइड में भी यही है, तो ये क्या हो जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको यहां से हटा के ये लिख सकता हूं क्या डॉट ई की पावर आयोटा के इंटू ए माइनस टू ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के इंटू टू एन प्लस वन इंटू ए। अब देखो सारे पदों में सेम आ गया, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सब में है, तो इसको मैं काट देता हूं दोनों तरफ से। अब क्या बचा, लेफ्ट साइड में बचा हमारा एम वन ए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में बीटा बी इंटू ई की पावर माइनस आयटा के ए प्लस बी इंटू ई की पावर आयटा के ए माइनस टू ए, आएगा या नहीं आएगा, इसको मिटा लेते हैं। अब देखो हमारे पास क्या आता है, जैसे ही ये हमने लिख दिया है इधर से, इसको मैं लिख सकता हूं सिर्फ इसी पद को मैं आगे लिख रहा हूं, दोबारा अपने पास स्पेस की कमी है, इज इक्वल टू बीटा इंटू यहां से बी कॉमन लेता हूं मैं, तो क्या बचेगा ई की पावर माइनस आयोटा के ए प्लस ई की पावर आयोटा के ए और माइनस टू ए, आएगा या नहीं आएगा। इसको मैं दो से गुणा कर दूं और दो का भाग दे दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ये एक क्या है फॉर्मूला, किस चीज का फॉर्मूला है, कोस के ए का फॉर्मूला है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं माइनस एम वन ओमेगा स्क्वायर ए इज इक्वल टू बीटा इंटू, ये क्या हो जाएगा बी, किसका फॉर्मूला है कोस के ए और दो इसके गुणा में है तो टू लगा देता हूं यहां पे मैं माइनस टू ए, कोई दिक्कत इसमें, टू को भी मैं बाहर निकाल लेता हूं यहां, तो ये क्या हट जाएगा टू यहां भी हट जाएगा और टू यहां भी हट जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। ये हमारा क्या आ गया है, एक समीकरण आई है जिसको मैं और सोल्व करूं, बी के पद एक साथ कर लेता हूं ए के पद एक साथ कर लेता हूं, तो क्या करें अपन इसको देखो, ये ए का पद है और इधर ए का पद है, तो इसको भी मैं इधर ले आता हूं और इसको भी इधर लेते हैं, तो क्या आएगा टू बीटा इंटू ए, ये माइनस था इधर आएगा प्लस का हो जाएगा माइनस एम वन ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, इस पद को भी इधर लेके आता हूं तो क्या आएगा माइनस टू बीटा कोस के ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, ये बी है इज इक्वल टू जीरो। ये समीकरण हमारी कितनी हो गई है पांच हो गई है, कैसी होगी समीकरण पांच हो गई है, कोई दिक्कत इसमें यहां तक। अब हम क्या करते हैं सिमिलरली इस समीकरण में भी ये दोनों मान रखने अपने को, जैसा अभी किया है हमने इस समीकरण में मान रखे थे और इसको सोल्व करके लाए हैं, उसी प्रकार से इस समीकरण में ये दोनों मान रखने हैं। चलो रखते हैं, तो इसी टाइप की एक समीकरण और मिल जाएगी अपने को, रखो देखें एम टू इंटू डी टू यू टू एन अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव करना है, क्या आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू बी ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के इंटू टू एन ए इज इक्वल टू, राइट साइड में देखो इसके क्या है बीटा इंटू यू टू एन प्लस वन, वैल्यू ये रही हमारी ए ई की पावर आयोटा
ओमेगा टी माइनस के इंटू टू एन प्लस वन ए। फिर क्या है, प्लस यू टू एन माइनस वन, टू एन प्लस वन, टू एन माइनस वन किस प्रकार के कण हैं, एम वन टाइप के। तो समीकरण इसी प्रकार की आएगी उसकी, ए इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के इंटू टू एन माइनस वन इंटू ए। माइनस टू इंटू यू टू एन, यू टू एन क्या है, ये रहा हमारा डी ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के इंटू टू एन ए। लेफ्ट साइड में के इंटू टू एन है तो राइट साइड में भी सारे पद इसी प्रकार के हमें बनाने हैं, बीटा इंटू ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के इंटू टू एन ए डॉट ई की पावर, टू एन ए तो मैंने यहाँ लिख दिया, अब बचा क्या है, माइनस का वन इंटू ए बचा है, तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा के इंटू ए प्लस ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के इंटू टू एन ए माइनस माइनस प्लस डॉट ई की पावर आयोटा के ए माइनस टू बी ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के इंटू टू एन ए। देखो सभी पदों में ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के इंटू टू एन ए बन गया है, काट दो इनको। अब क्या बच रहा है हमारे पास, लेफ्ट साइड में बच रहा है माइनस एम टू ओमेगा स्क्वायर बी इज इक्वल टू राइट साइड में बीटा इंटू, यहां से क्या बच रहा है, ए ई की पावर माइनस आयोटा के ए प्लस ए ई की पावर आयोटा के ए और माइनस टू बी बच रहा है, बचा या नहीं बचा। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, बीटा इंटू ए कॉमन लेते हैं अपन, ई की पावर आयोटा के ए प्लस ई की पावर माइनस आयोटा के ए, इसको मैं दो से गुणा कर दूं और दो का भाग दे लेता हूं साथ की साथ, माइनस टू बी, कोई दिक्कत है क्या। ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारा, कोस का, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस एम टू ओमेगा स्क्वायर बी इज इक्वल टू बीटा इंटू टू कोस के ए माइनस टू बी, कोई दिक्कत इसमें, जिसको हम लिख सकते हैं या फिर इसको मैं इधर ले आता हूं डी वाले पद एक साथ कर लेता हूं तो क्या आएगा, ये माइनस का इधर आएगा प्लस हो जाएगा टू बीटा बी, यही आएगा माइनस एम टू ओमेगा स्क्वायर बी माइनस ये वाला भी इधर ले आते हैं टू बीटा, अच्छा इसके साथ ए और है टू बीटा कोस के ए डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, यही आएगा। इसको हम कहते हैं समीकरण छ, कोई दिक्कत है क्या इसमें यहां तक। अब मैं इनको मिटा देता, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, बेसिक मैथमेटिक्स है, पक्षांतरण करना है, काटना है, यही काम है हमारे पास। अब देखो इन दोनों समीकरणों को हम देखते हैं, तो इन दोनों समीकरणों को मैं इस प्रकार से लिखता हूं कि ए वाले पद हैं वो एक साथ रहें और बी वाले एक साथ रहें, तो मैं समीकरण पांच को दोबारा लिख लेता हूं, वो हमारी हो जाएगी टू बीटा माइनस एम वन ओमेगा स्क्वायर इंटू ए माइनस टू बीटा कोस के ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो। इसको भी मैं दोबारा लिखता हूं तो क्या आएगा, माइनस टू बीटा कोस के ए डॉट ए और प्लस टू बीटा माइनस एम टू ओमेगा स्क्वायर डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत है क्या इसमें। ये हमारी दो समीकरण होगी जिनको मैं दोबारा लिख देता हूं, ये पांच ए है और ये छ ए, आप इनको पांच और छह लिखना चाहो तो पांच और छह भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हमारे पास अब आएगा इसका सॉल्यूशन। अब ये दो समीकरण हैं, अगर इन दोनों समीकरणों का हल अगर पॉसिबल है तो इनका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, अर्थात टू बीटा माइनस एम वन ओमेगा स्क्वायर
माइनस टू बीटा कोस के ए और माइनस टू बीटा कोस के ए और टू बीटा माइनस एम टू ओमेगा स्क्वायर, ये डिटर्मिनेंट हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए अगर इन दोनों समीकरणों का हल पॉसिबल है तो। तो इनका डिटर्मिनेंट जीरो करते हैं तो क्या जाएगा, टू बीटा माइनस एम वन ओमेगा स्क्वायर इंटू टू बीटा माइनस एम टू ओमेगा स्क्वायर और इन दोनों का गुणनफल क्या जाएगा, माइनस 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 प्लस और एक माइनस का साइन हो रहा है डिटर्मिनेंट में, तो क्या हो जाएगा, फोर बीटा स्क्वायर कोस स्क्वायर के ए इज इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारा, जीरो आना चाहिए। इसको गुणा कर लेते हैं वापस, टू बीटा को टू बीटा से गुणा करो क्या आएगा, फोर बीटा स्क्वायर, टू बीटा को इससे गुणा करो माइनस एम टू टू बीटा ओमेगा स्क्वायर, इसको गुणा करो माइनस टू बीटा एम वन ओमेगा स्क्वायर और इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, एम वन एम टू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर फोर माइनस फोर बीटा स्क्वायर कोस स्क्वायर के ए इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखो अब अपन बीटा वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं तो क्या आएगा, और इसको सबसे पहले लिख लेते हैं एम वन एम टू ओमेगा की पावर फोर, ये दोनों टर्म हमारे ओमेगा स्क्वायर के हैं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इन टू क्या बचेगा, टू बीटा इसमें भी है इसमें भी है एम वन प्लस एम टू और क्या बचेगा, प्लस फोर बीटा स्क्वायर माइनस फोर बीटा स्क्वायर कोस स्क्वायर के ए इज इक्वल टू जीरो। यहां से हम लिख सकते हैं इसको एम वन एम टू ओमेगा की पावर फोर माइनस ओमेगा स्क्वायर टू बीटा इंटू एम वन प्लस एम टू प्लस फोर बीटा स्क्वायर में इसमें से कॉमन निकालता हूं तो क्या बचेगा, वन माइनस कोस स्क्वायर के ए इज इक्वल टू जीरो। वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से मैं डायरेक्ट यही लिख देता हूं, ये हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर के ए इज इक्वल टू जीरो। ये समीकरण है वो एक ओमेगा स्क्वायर में द्विघात समीकरण है, क्या है, ओमेगा स्क्वायर में एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ओमेगा स्क्वायर की स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे एक कांस्टेंट, देखो अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को अक्ष मानता हूँ तो ये अक्ष स्क्वायर और यहाँ पे कांस्टेंट राशि, तो एक द्विघात समीकरण ये है। और द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन क्या होता है वो आपको पता है, एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से इसका समीकरण का सॉल्यूशन मैं लिखता हूँ तो वो कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी बी, अगर इसको मैं मान लेता हूँ कोफिशियंट ए है, ये कोफिशियंट बी है और ये हमारा कांस्टेंट है वो सी है, तो क्या आएगा फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये सॉल्यूशन आएगा इसका। तो लिख देते हैं अपन, माइनस बी करूँगा तो क्या आ जाएगा, टू बीटा इंटू एम वन प्लस एम टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ये टर्म बी स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा, फोर बीटा स्क्वायर इंटू एम वन प्लस एम टू की होल स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया माइनस फोर, ए कितना है एम वन एम टू, सी कितना है फोर बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर के ए, यही है डिवाइडेड बाई टू इंटू ए, ए कितना है हमारा एम वन एम, कोई दिक्कत इसमें, सॉल्यूशन लिख दिया अपन ने। अब क्या आएगा, देखो ये हम क्यों कर रहे हैं, आपको अब कुछ कुछ पता चलने लग गया होगा, हमारा टारगेट क्या था, हमें निकालना था डिस्पर्जन रिलेशन, और डिस्पर्जन रिलेशन का मतलब ओमेगा और के में क्या चाहिए था, हमें संबंध चाहिए था। देखो इस लेफ्ट साइड में हमारे पास ओमेगा आ गया है और राइट साइड में के आ गया है, इन दोनों में रिलेशन जो आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्पर्जन रिलेशन कहलाएगा। तो लिखो देखें इसको, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू,
ये इसके भी नीचे है और इसके भी नीचे है, तो मैं इसके नीचे लिखूंगा इसको, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बीटा इंटू एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाई एम वन एम टू प्लस माइनस अंडर रूट। इसमें देखो 4 बीटा स्क्वायर और 4 इंटू 4 बीटा स्क्वायर 16 बीटा स्क्वायर है, तो मैं 4 इसमें से बाहर निकालता हूं तो बाहर कितना आएगा 2, और यहां कितना बच जाएगा बीटा स्क्वायर को भी बाहर निकाल लेता हूं तो ये 2 बीटा हो जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा एम वन प्लस एम टू की होल स्क्वायर माइनस 4 बाहर जा चुका है, या फिर मैं कहता हूं ये बाहर निकल गया तो क्या बच रहा है 4 एम वन एम टू साइन स्क्वायर के ए, और इसके बट्टे में कितना है हमारा 2 एम वन एम टू, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा इंटू एम वन प्लस एम टू और डिवाइडेड बाई एम वन एम टू प्लस माइनस। इसको मैं अंदर लेके चला जाता हूँ एम वन एम टू को, तो ये इस वर्ग के अंदर जाएगा तो स्क्वायर वन के अंदर जाएगा, तो कितना आ जाएगा बीटा इंटू अंडर रूट एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाई एम वन एम टू का होल स्क्वायर माइनस 4 एम वन एम टू साइन स्क्वायर के ए डिवाइडेड बाई एम वन एम टू की होल स्क्वायर जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा एक कट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा इंटू एम वन प्लस एम टू अपॉन एम वन एम टू प्लस माइनस बीटा अंडर रूट एम वन प्लस एम टू अपॉन एम वन एम टू की होल स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर के ए अपॉन एम वन एम टू। ये जो रिलेशन है वो हमारा क्या कहलाता है डिस्पर्जन रिलेशन ओमेगा स्क्वायर और के अंदर। ये समीकरण हमारा है, इसको आप कोई भी नाम दे लो, जो जब जितने दे दिए उतने ठीक है, उससे आगे वाला नाम इसको दे दो, और ये समीकरण हमारा क्या कहलाता है प्रक्षेपण संबंध या डिस्पर्जन रिलेशन। अब इस समीकरण के अंदर भी 2 प्रकार के डिस्पर्जन रिलेशन आएंगे, कैसे जब हम प्लस साइन लेंगे यहां से तो क्या आएगा ओमेगा प्लस स्क्वायर और के में रिलेशन आएगा, क्या आएगा ओमेगा प्लस स्क्वायर और के में रिलेशन आएगा, और जब माइनस साइन लेंगे तब हमारा ओमेगा माइनस स्क्वायर और के में रिलेशन आएगा। ये 2 रिलेशन आएंगे और इन दोनों रिलेशन को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से इनका डिस्कशन करेंगे। एक कहलाएगी इसमें ऑप्टिकल ब्रांच और एक कहलाएगी अकोस्टिक ब्रांच इनकी कहलाएगी, जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।